नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबुल, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा चल रहा था एसएससी, मतलब आर्मी जीडी का, ठीक है फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्मी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्मी का तो यहाँ पे हम आपके लिए पूरा की पूरा सिलेबस तैयार करवा रहे हैं मैथ का, और आपके लिए जीएसबी दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखेंगे हम आर्मी जीडी का पार्ट टू, ठीक है, परसेंटेज का पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट टू है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, पार्ट टू आपका हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बुक मैंने आपके कौन सी ली है, इस बार मैं आपके लिए बुक से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बुक से परसेंटेज के उदाहरण के तौर पे जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, उसे देख लीजिएगा कि 7.5 का कितने प्रतिशत है। तो बिल्कुल क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका दे रखा है 1.5, फिर कह रहा है 7.5 का, और जहाँ पे का लिखा हुआ होगा वो समझ लो कि हाँ होगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 1.5 बटे 7.5 का कितने प्रतिशत, और प्रतिशत को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है किस प्रकार से क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 15 75, 15 2 5 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से परसेंटेज भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड में कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए हैं तथा 60% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक है। तो कह रहा है जो विद्यालय है उसमें कितने विद्यार्थी थे, तो पास कितने हुए हैं, पहले हम पास लिख लेंगे, पास कितने हुए हैं 400, या एग्जाम में करोगे तो लिखोगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट कर दोगे क्वेश्चन। फिर कह रहा है जो फेल हुए हैं, फेल कितने हुए हैं, फेल कह रहा है अभी 60% फेल हुए हैं। अब 5% हुए तो मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जाता है 3/5 हमारा होता है 5, ठीक है। तो वो कह रहा है जो नीचे वाली हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वास्तविक वैल्यू। पहली वीडियो में इसलिए मैंने आपके लिए पहले समझाया था, ठीक है, पहली वीडियो में आपके लिए समझा रखा है, पहले वह देखिएगा तो ये बिल्कुल अच्छी प्रकार से माइंड में आपके फिक्स हो जाएगी। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो वास्तविक वैल्यू होती है, ठीक है, वास्तविक जो पहले कोई संख्या थी, पहले संख्या कौन थी, 5 थी 5 में 60% निकालेंगे तो 3 आएगा, 5 का 60% 3 आएगा, मतलब 3% जो फेल हुए बंदे हैं 60% वो कितने हैं, 3, 3 बंदे फेल हुए 5 में से, तो 5 में से 3 बंदे फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे, 2 पास हुए होंगे, मगर यहाँ कह रहा है 2 पास नहीं हुए, 400 पास हुए हैं भाई, तो 400 पास हुए तो ये कौन सा गुना, 200 गुना, ठीक है। तो इसी प्रकार से टोटल 5 ना होकर ये भी 200 गुना आपके हो जाएंगे, 5 × 10, मतलब 1000 बंदे क्या थे उस विद्यालय में थे, ठीक है, उस परीक्षा में, मतलब उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थी थे, ठीक है, 1000 विद्यार्थी थे, ठीक है। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ठीक कह रहा है, एक परीक्षा में 40 अंक लेता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, यदि पास होने के अंक 40% है तो कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ पे भी टोटल अंक बताना है आपके लिए, तो ये भी हम फ्रैक्शन वैल्यू से बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो मतलब परीक्षा में इतने परसेंट अंक लाता है, 40 वह अंक लाया, ठीक है, और फिर वह 40 ही अंकों से फेल हो गया, ठीक है, 40 अंकों से फेल हो गया, टोटल मतलब पास होने के लिए उसके पास कितने चाहिए थे, 80 अंक चाहिए थे पास होने के लिए, पास हो जाता जब वह 80 अंक लाता, ठीक है, क्योंकि 40 से फेल हुआ और 40 ही लेकर आया, तो उसे 80 अंक चाहिए थे पास होने में, मगर 80 अंक नहीं ला पाया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है तो पास होने के लिए क्या कह रहा है, पास होने के लिए 40% ही भाई चाहिए थे, तो 40% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/5 हमारा आ जाएगा 40% को जब फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। अगर आप 5 का जो नीचे वाली वैल्यू होती है, वास्तविक वैल्यू होती है, जो पहले कोई संख्या थी 5 थी, 5 का 40% पास हो गया तो बचा कितना, 2, 5 का 40% 2 ही आएगा, ठीक है, मतलब इतने बंदे, 2 बंदे पास हुए 5 में से, ठीक है, 5 में से 2 बंदे पास हो गए, तो यहाँ कह रहा है अभी पास 2 नहीं हुए हैं, पास होता जब वह मतलब इतने अंक, ठीक है, टोटल अंक कितने लाना था परीक्षा में, 5 अंक लाना था, 40% अंक लाया, मतलब 2 अंक वह लेकर आया पास होने के लिए, पास होने के लिए उसे 2% की जरूरत थी, कि मैं 2% ले आऊंगा तो पास हो जाऊंगा, मगर वह पास होने के लिए 80 अंक की जरूरत थी, मगर 2 बराबर क्या था, 80 का था, ठीक है, तो ये कितने गुना, 40 गुना। इसी प्रकार से टोटल अंक 5 ना होकर 40 गुना हो जाएंगे, कि 5 चौक 20, 200 अंक
हमारा था, ठीक है, 200 अंक क्या था, टोटल था। तो इस प्रकार से हम आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए दिखा नहीं, ठीक है, मैं भी देख लेते हैं, इस साइड में लिखता हूँ, ठीक है, थोड़े पास में। यहाँ पे हम ये कौन कौन, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, योगी 40 गुना, उसी प्रकार से हमारे टोटल अंक कितने, 5 ना होकर 40 गुना यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 और 20, 200, 200 अंक हमारे हो जाएंगे, ठीक है, 200 अंक टोटल थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा, तो उसे पढ़ लेते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। यहाँ पे टोटल वोटों की संख्या कह रहा है कि टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहले कह रहा है उम्मीदवार जो पहला था, जो फर्स्ट उम्मीदवार था, उसने कितने वोट लिए, 40% वोट ले लिए भी, ठीक है, ले लेता है, और दूसरे उम्मीदवार से भी इतने परसेंट वोटों से हार जाता है, तो वो हारता है, मतलब हारता है कितने वोटों से, ठीक है, 298 वोटों से, वो क्या कह रहा है, अभी मैं हार जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कुल टोटल वोटों के यहाँ पे संख्या निकालना है, ठीक है, टोटल कितने वोट थे, तो बिल्कुल इजी प्रकार से निकाल लेते हैं। तो 40% को तो पहले हम करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज, 40% को फ्रैक्शन वैल्यू में करेंगे तो 2/5 आ जाएगा अपना, ठीक है, 2/5 आ गया। अब वो कह रहा है टोटल जो थे, जो टोटल मतलब यहाँ पे टोटल जो आएंगे वो हम ये मानते हैं, ठीक है, टोटल हमारा कितना था, 5 था, 5 था, और 40% वो ले आया, ठीक है, 40% वोट ले लेता है वो, तो कितना लाता है, 2 लाता है। अगर टोटल का हम 40% निकालेंगे तो 2 आएगा, तो इससे कह सकते हैं कि टोटल वह 2% लेकर आया, ठीक है, 2% लेके आया, और कितने दूसरा उम्मीदवार इतने वोटों से हार गया, मतलब दूसरे बंदे को, मतलब दूसरे बंदे इतने से वोटों से हार गया, मतलब पहला बंदा जो था वो कुछ वोटों से हार गया, कितने वोटों से, 298 वोटों से। तो पहले बंदे ने कितने हासिल किए, 2 वोट हासिल किए, मगर टोटल वोट थे 5, ठीक है, टोटल वोट 5 थे, तो दूसरे बंदे ने कितने हासिल किए होंगे, 3 वोट हासिल किए होंगे दूसरे बंदे ने। तो देख लेते हैं भी कि दूसरा बंदा जो था, ठीक है, उसने 3 वोट हासिल किए, जब पहले बंदे ने 2 वोट हासिल किए, ठीक है, दूसरे बंदे ने क्या किया, 3 वोट हासिल किए, टोटल हमारे कितने थे, 5 थे, ठीक है, टोटल कितने थे, 5 थे, टोटल मानते हैं वास्तविक संख्या जो पहले कोई संख्या थी, ठीक है, तो टोटल हमारी कितनी थी, 5 थी। तो इससे कितने ज़्यादा हासिल किए इस बंदे ने, जो कि इतने वोटों से है जीता, तो इसने 1 वोट ज़्यादा पाया, ठीक है, 1 वोट ज़्यादा हासिल किया, क्योंकि जो 40% था उस 40% 60% के बचा, वो बचा 30, 3 बचा, ठीक है, टोटल थे 5, मतलब 100%, तो ज़्यादा कितना किया, 1। तो यहाँ कह रहा है 1 ज़्यादा नहीं किया उसने, कितने ज़्यादा किया, 298 वोट ज़्यादा लाया इस बंदे से, ये 1 ना होकर 298 वोट ज़्यादा लाया, तो ये कौन से गुना, 298 गुना, टोटल हमारा कितना है, 5 है, ये भी 298 गुना कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाता है 1490। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, आपको मैं बता दूं, जो आप फ्रैक्शन वैल्यू जब चेंज करके कोई परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर अच्छे प्रकार से क्वेश्चन करते हो, तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आपके लिए क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है, फटाफट के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो समझाने का होगा वही समझाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 5 हो जाता है। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हुई है, बताओ चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च बिल्कुल ना बढ़े। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 7 क्वेश्चन हैं उदाहरण के तौर पर इस बुक में दे रखे हैं आपके, ठीक है, श्री कृष्ण पब्लिकेशन ऐसी बुक है कोई, ठीक है, उसमें दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे प्रकार से माइंड में आप फिक्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके SSC GD, मतलब SSC GD है, आर्मी जी डी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है, कि इतने परसेंट वृद्धि हो गई तो कितनी खपत कम करें जो कि पूरी हो जाए, उसी उसी लेवल पे पहुंच जाए, देख लेते हैं इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की भाई वृद्धि हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो पहले कोई वैल्यू कितनी थी, 5 थी,
अब इतने परसेंट की वृद्धि होगी, मतलब इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो एक ही आएगा, जब एक की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो गया, छः। पहले कोई 5 के हिसाब से बिकती थी, अब वह 6 के हिसाब से बिक रही है। तो वे कह रहा है भाई हमें तो पहले की इतनी मतलब कितने परसेंट की कमी की जाए, जो कि कितना इसमें कम करें जो कि इतने के बराबर ही बिके, मतलब पहली की जितनी है हमारी बिक रही थी चीनी उतनी ही बिके, तो इसमें एक की हम कमी करेंगे। किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, मतलब एक ही की कमी किसमें, 6% के लिए 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो जब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16/2/3%। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके करोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। इस प्रकार के सारे के सारे जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू से हो सकते हैं उतने फ्रैक्शन वैल्यू से करके दिखाऊंगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप पर सेकंड में मतलब 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर माइंड में ही निकाल सकते, इस क्वेश्चन का आंसर तो माइंड में ही निकाल सकते थे आप। गेस कितना होता है, 1/5 हो गया, 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, मतलब 1/6। तो 1/6 को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, मतलब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, 100 से करेंगे तो इसका आंसर होता है 16/3%। बस देखो माइंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में 80% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में पास हुए थे, परंतु 10% दोनों विषयों में पास हुए थे। यदि 144 परीक्षार्थी दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षार्थी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोनों विषयों में 144 पास नहीं हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ पास होने की दे रखी है कि एक मतलब विषय में कितने पास हुए हैं, टोटल 144 पास हुए हैं। पास होने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पास हुए हैं इतने, ठीक है। पास और फेल निकल के आता है, एक ट्रिक में बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। पहली बात बताऊँ, अगर एक ट्रिक दो ट्रिक में बताऊंगा आपके लिए, एक पास वाली एक फेल वाली, जो कि दोनों की दोनों तरीके के क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाएँ। अगर पास दे रखा है तो पहले पास ही पास बना लेंगे सारे के सारे, ठीक है। पास प्लस पास, ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी हो जाएगा चाहे गणित हो जाएगा, अंग्रेजी में पास हुए गणित में पास हुए माइनस दोनों में पास हुए बराबर पास ही निकल के आएंगे कितने बंदे पास हुए, ठीक है, दोनों विषयों में इतने बंदे पास हुए। अगर हम फेल को करेंगे तो फेल अंग्रेजी में प्लस फेल गणित में माइनस फेल बराबर माइनस फेल टोटल, ठीक है, दोनों में, और बराबर फेल निकल के आएंगे दोनों विषयों में जितने फेल हुए, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम इसमें क्या दे रखा है कि एक परीक्षा में 80% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए, तो पास हुए कितने, 80%, ठीक है, 80% अंग्रेजी में पास हो गए। प्लस उसके बाद कह रहा है 70% गणित में पास हो गए, ठीक है, 70% गणित में पास हो गए। माइनस दोनों में पास कितने हुए हैं, ये कह रहा है 10% दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, 90% भाई पास हो गए होंगे। तो 10%, 100 में से 10% जब फेल हो गए तो टोटल पास वाले 90% ही तो बचेंगे, तो 90% हो गया। अब जब सॉल्व करेंगे तो पास ही निकल के आएंगे, तो दोनों विषय में पास कितने हुए, 60% बंदे दोनों विषय में पास हुए। और अगर आप फेल की बात करें तो डायरेक्ट यहीं पर निकल आएगा, 40% बंदे फेल हुए होंगे दोनों विषयों में, टोटल कितना होता है, 100% बंदे होते हैं, ठीक है। बस इस प्रकार से 40% निकल के आया। अब कह रहा है कि जो 60% बंदे पास हुए हैं दोनों विषयों में, मगर यहाँ पे कह रहा है 60% ना होकर कितने पास हुए हैं, 144 बंदे पास हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 100% निकालना होता है, हमें टोटल निकालना है, दे रखा है यहाँ पे। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू याद करेंगे तो 144, 144 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 60% हो जाएगा, 60 दिन नीचे 1% की वैल्यू निकल आएगी, मल्टीप्लाई 100% निकालना है, 100 से भाग दे देंगे जो निकल के वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, टोटल निकल के आ जाएगी। टोटल जब सॉल्व करेंगे 0 0 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240 हमारा आ जाएगा टोटल, ठीक है, या क्या होगा हमारा टोटल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार की हमें ट्रिक, ये ट्रिक हमें याद रखना है, ठीक है, ये ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे दो विषयों में पास पास और दोनों विषयों में फेल दे रखा है तो वहाँ पे ये ट्रिक फॉलो होती है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन देगा ही नहीं, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन आता है, श्री कृष्ण पब्लिक जो प्रकाशन है उसके लिए, ऐसा मतलब आर्मी जीडी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, तो इसे भी देख लेते हैं। कह रहा है चावल की कीमत 15% में कमी आने पर एक व्यक्ति 68 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल की घटने से पहले तथा बाद की कीमत ज्ञात कीजिए। पहले मूल्य कितना था और बाद में मूल्य कितना हुआ, यह यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ,
टोटल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ कुछ दे रखा है, उससे पहले देख लेते हैं। 15% दे रखा है, या क्या की गई, कमी की गई, ठीक है, इतने परसेंट क्या हुई, कमी की गई। उसके बाद कह रहा है कि एक व्यक्ति, इतने परसेंट कमी की गई, ठीक है, एक व्यक्ति कितने पैसा, मतलब 68 रुपये का वो खरीद रहा है और 10 केजी खरीद रहा है। बस आपको इतना याद रखना है जो वहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, बस। अब इसके बाद ट्रिक बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको नया भाव ज्ञात करने को दिया हो, नया भाव, ठीक है, नया भाव कितना था, पुराना भाव कितना था, ठीक है, पुराना भाव कितना था, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, इसमें आपको बता देता हूँ कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, ठीक है। जब हम बात करेंगे नया भाव, तो नया भाव को शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी, इसमें क्या होता है आपके, पहले हम क्या करेंगे, पैसे लिखेंगे, ठीक है, पहले क्या होता है, पैसे लिख लिए, इतने पैसे दे रखे हैं, उसके बाद हम नीचे क्या करते हैं, केजी, क्योंकि पैसों में क्या मिलता है, केजी मिलता है, मतलब कोई भी किलोग्राम ले सकते हैं, ठीक है, केजी, जितना केजी दे रखा है, मतलब 10 केजी दे रखा है, 10 केजी लिख लिए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज होता है, और नीचे क्या होता है, 100 होता है। अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, नया भाव निकल के आएगा। और यहाँ पर अगर हम पैसे बटे केजी मल्टीप्लाई परसेंटेज बटे हैंड रेट और प्लस माइनस परसेंटेज अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, पुराना भाव निकल के आएगा, ठीक है, पुराना भाव निकल के आएगा। अगर आप इसमें रख सकते हैं तो आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम नया भाव ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, नया भाव का हमने सूत्र ये रहा, पुराने भाव की बात करें तो सूत्र ये रहा, दोनों की दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले हम नया भाव निकालेंगे, उसके बाद पुराना भाव निकालेंगे। तो नया भाव पैसे के जगह पैसे रख दीजिएगा, 68 हो गया, बटे केजी, तो 10 केजी दे रखा है, मल्टीप्लाई की बात करें परसेंटेज में 15 दे रखा है, और 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 रख लेंगे, ठीक है। जब यह सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.02 रुपये, ठीक है, प्रति केजी। तो ये आपका आ जाएगा नया भाव। और जब पुराने भाव की बात करें, ये तो नया भाव आ गया, ठीक है, नया भाव, और पुराने भाव की बात करें तो पुराने भाव में रख दीजिएगा, 68 बटे केजी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई की बात करें 15% दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 100। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए जानने लायक कुछ बातें हैं, यहाँ पे प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर बढ़ रही है तो प्लस करेंगे और घट रही है तो माइनस करेंगे, ठीक है, बस। तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, 15% की कमी हो रही है, तो यहाँ पे घटा देंगे, लग देंगे 15, ठीक है। अगर यहाँ पे वो कहता कि 15% की वृद्धि हो रही है तो प्लस लिख देते, बस इतना आपके लिए कन्फ्यूजिंग याद रखना है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 68 बटे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.20 रुपये प्रति केजी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हमारा पुराना भाव हमारा निकल के आ जाता है। तो हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो श्री कृष्ण पब्लिकेशन जो बुक है, उसके जो प्रतिशत के हैं, वो हमने सारे के सारे उदाहरण जो दे रखे थे क्वेश्चनों के, उन्हें सबके सब हमने देख लिए हैं एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके लिए समझाने के लिए दी थी, वो मैंने अपनी तरफ से दी थी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आर्मी जेडी की तैयारी करते हो, बिल्कुल अच्छी प्रकार से पढ़ाऊंगा, शॉर्ट से शॉर्ट पढ़ाऊंगा, इतनी शॉर्ट आपके लिए कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जय हिंद, जय भारत।